हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हमारे देश भारतवर्ष की पावन धरा सदियों से आध्यात्मिक ज्ञान, दर्शन और अनूठी सांस्कृतिक समृद्धि के लिए पूरे विश्व में वंदनीय रही है। भारत की उर्वरा भूमि में समय समय पर महान तपस्वी, ऋषि और मुनियों के साथ ही शूर वीर और दार्शनिक लोगों ने जन्म लिया। अलग अलग प्रांतों में अनेक धर्मों और संस्कृतियों के समन्वय से सुशोभित हमारे देश पर हर एक भारतवासी और अप्रवासी भारतीयों को गर्व है। भारत की पश्चिमी धारा को हम राजस्थान राज्य के रूप में जानते हैं। इस प्रांत के पश्चिम में जहां उज्जवल बालू के टीबे हैं, तो दक्षिण पूर्व में अरावली पर्वतमाला के गगनचुंबी शिखर। इस गौरवशाली प्रदेश में एक और जहां मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने जन्म लेकर इस धरा का गौरव बढ़ाया, तो दूसरी ओर मारवाड़ के मेड़ता में जन्मी भक्त शिरोमणि मीराबाई के पद जनमानस में आज भी रचे बसे हैं। मारवाड़ प्रदेश का केंद्र है जोधपुर शहर। भक्ति साहित्य के क्षेत्र में महाराजा मान सिंह जी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसी जोधपुर शहर से नागौर की ओर जाने वाले रास्ते पर बावड़ी कस्बे से कुछ आगे एक छोटा सा गांव है लवेरा खुर्द। कम आबादी वाले इस गांव में एक राव परिवार का निवास है, जिसके मुखिया थे स्वर्गीय मांगीलाल जी राव। मांगीलाल जी की धर्म पत्नी श्रीमती कालीबाई धार्मिक संस्कारों में पली बड़ी महिला थी। मांगीलाल जी स्वयं अच्छे विद्वान और डिंगल भाषा के कवि थे। संवत 2017 के भाद्रपद मास के उजले पखवाड़े में मांगीलाल जी राव के घर में पांचवें पुत्र का जन्म हुआ, जिनको हम सब लोक गायक राम निवास जी राव के नाम से जानते हैं। राम निवास जी के चार बड़े भाई श्री भंवरलाल जी, श्री जवाहरलाल जी, हनुमान जी और स्वर्गीय बुलीदान जी हैं। सबसे छोटे भाई श्री इंद्रराज जी हैं। सबसे बड़े भाई भंवरलाल जी भारतीय डाक विभाग में नौकरी करके सेवानिवृत्त हो चुके हैं। दूसरे भाई जवाहरलाल जी भी भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं। राम निवास जी का बचपन माता पिता के प्यार और बड़े भाइयों के दुलार में बीता। चूंकि गांव में प्राथमिक स्कूल नहीं था, इसलिए राम निवास जी को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पास के कस्बे बावड़ी की स्कूल में जाना पड़ता था। आने जाने के लिए भी तब पर्याप्त साधन नहीं थे, इसलिए गांव से स्कूल तक पैदल ही आते जाते थे। स्कूल में पढ़ते समय ही राम निवास जी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते थे। उनकी मधुर आवाज सुनने वालों का मन मोह लेती थी। गायन में रुचि होने के कारण गांव में और आसपास के क्षेत्रों में उनके नाम की चर्चा होने लगी। लोग रात्रि जागरण में आने के लिए निमंत्रण देने लगे। संगीत से गहरा जुड़ाव और लगन के चलते राम निवास जी ने कक्षा छठी तक पढ़ाई करने के बाद स्कूल छोड़ दी। पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों और पिताश्री जी के आशीर्वाद से राम निवास जी को गायन के क्षेत्र में सफलता मिलती चली गई। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए 80 के दशक में भारत की मशहूर म्यूजिक कंपनी HMV ने उनका पहला एल्बम नानी बायरो मायरो सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया। लगभग 17 बरस की किशोर अवस्था में राम निवास जी का विवाह तिमरी गांव के प्रतिष्ठित राव परिवार में श्री अणदाराम जी राव की सुपुत्री सुरजी देवी के साथ हुआ। राम निवास जी की धर्म पत्नी भी धार्मिक संस्कारों से प्रभावित सुयोग्य धर्म पत्नी साबित हुई। राम निवास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व में सुरजी देवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राम निवास जी का पहला भक्ति एल्बम जारी होने के बाद उनकी लोकप्रियता में निरंतर बढ़ोतरी होती गई। देश भर में जगह जगह राम निवास जी के भक्ति कार्यक्रम आयोजित होने लगे। राम निवास जी के युवा प्रशंसक उनके कार्यक्रम के लिए घंटों तक प्रतीक्षा किया करते थे। जहां भी खबर मिलती कि राम निवास जी का कार्यक्रम है, वहां अपार जनसमूह उमड़ पड़ता। उस समय
प्री रिकॉर्डेड ऑडियो कैसेट्स का चलन शुरू नहीं हुआ था। तब रिकॉर्डर टू रिकॉर्डर ही एक एक कैसेट रिकॉर्ड करके और लेबल पर रबर स्टाम्प से टाइटल और गायक का नाम लिखकर उपलब्ध करवाई जाती थी। राम निवास जी को गायन के साथ ही हारमोनियम बजाने में महारत हासिल थी। हारमोनियम की छेड़ सुनते ही आज भी सुनने वाले पहचान जाते हैं कि ये राम निवास जी का बजाया हुआ है। समय के साथ बदलाव आया और कई म्यूजिक कंपनियां बाजार में आईं। राम निवास जी के भजन और कथाएं रिकॉर्ड करने के लिए लगभग होड़ सी मच गई। वर्तमान में देश की सभी नामी कंपनियों में राम निवास जी राव के सैकड़ों एल्बम लोकप्रियता के शिखर पर बज रहे हैं। आकाशवाणी के अनेक केंद्रों से उनके गीत, भजन और कथाओं का अनवरत प्रसारण होता रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के गीत और नाटक प्रभाग में भी अनुबंधित कलाकार के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पूरे भारत में राम निवास जी राव को राजस्थानी लोक गायकी के पर्याय के रूप में जाना जाता है। विशेष बात यह है कि कवि परिवार में जन्म और अपने प्रथम गुरु पिता श्री मांगीलाल जी के आशीर्वाद से वे अपनी रचनाएं, भजन और कथाएं खुद लिखा करते और ध्वनिबद्ध किया करते। सुरों के साथ लय का समन्वय उनकी विशिष्ट शैली थी। इसे पूर्व जन्मों की पुण्य कमाई ही कहा जाए तो उचित होगा कि स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज और ब्रह्म धाम आसोत्रा के संस्थापक श्री खेताराम जी महाराज के पावन सानिध्य में राम निवास जी राव को भजन प्रस्तुत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अल्प शिक्षित होने के बाद भी उन्होंने प्राचीन दुर्लभ ग्रंथों, कवित, छंद आदि का गहन अध्ययन किया और अपनी विशिष्ट शैली में प्रस्तुत किया। गायन को अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य मानकर राम निवास जी राव ने अनवरत संगीत साधना की और अनेक शिष्यों को अपनी कला सिखाई। देश भर में उनके सैकड़ों शिष्य हैं। निर्मल व्यक्तित्व के धनी राम निवास जी के मन में सहयोगी कलाकारों और शिष्यों के प्रति समर्पण की भावना थी। राजस्थानी लोक गायकी के सरताज राम निवास जी राव का अंतिम कार्यक्रम जोधपुर के पास ही गांव उचियारड़ा के बालाजी मंदिर में 25 अगस्त 2012 को हुआ। शायद उन्हें अपनी परम गति का पूर्वाभास था, इसलिए उन्होंने अपने प्रशंसकों से कह दिया था कि यह मेरा अंतिम कार्यक्रम है। संयोग से उनका अंतिम भजन भी क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा यही रहा। कार्यक्रम के दूसरे दिन ही अस्वस्थ होने पर अस्पताल में भर्ती हुए। डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद 1 सितंबर 2012 शनिवार को करोड़ों लोगों का चहेता ये लोक कलाकार महाप्रयाण को प्राप्त हो गया। राम निवास जी राव की अंतिम यात्रा में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। जिसने भी सुना वो स्तब्ध रह गया। राम निवास जी राव के आकस्मिक निधन से हजारों संगीत प्रेमियों के दिल को ठेस पहुंची। राजस्थानी लोक गायकी के क्षेत्र में राम निवास जी राव को युगों तक श्रद्धा और सम्मान से याद किया जाएगा। स्वर्गीय राम निवास जी राव अपने परिवार में पत्नी और दो पुत्र और एक पुत्री ममता को छोड़ गए। बड़ा पुत्र दिलीप राव खुद के व्यवसाय में जुटा है, जबकि छोटा पुत्र गजेंद्र राव अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए
राजस्थानी लोक गायकी के पथ पर अग्रसर है। आशा है कि गजेंद्र राव भी अपने पिता की तरह लोकप्रियता के शिखर को स्पर्श करेगा। राम निवास जी के बारे में कुछ कहना हमारे सामर्थ्य में नहीं है, फिर भी इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राम निवास जी राव का नाम राजस्थानी लोक गायकी के क्षितिज पर एक उज्ज्वल नक्षत्र की तरह हमेशा जगमगाता रहेगा।